हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 15 अगस्त 2023 पर भाषण लेकर के आ चुके हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट तुरड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक बहुत जल्द पहुँच सके। तो फ्रेंड चलिए भाषण को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड भाषण शुरू करने से पहले आपको चार लाइन का अपने हिसाब से शायरी बोलना है। तो फ्रेंड फाइनली मैं यहाँ पे चार लाइन का शायरी लिखा हूँ। क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिले कफन के लिए। दोस्तों अपने हिसाब से यहाँ पे शायरी लिख लीजिएगा। फाइनली हम अपने हिसाब से शायरी यहाँ पर लिख के बाद आपको यहाँ पे भाषण शुरू करना है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सब भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने भारत देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए सब कुछ अपना दांव पर लगा दिए। उन महावीर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद समेत सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश उन्नति कर रहा है, परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी समस्या है। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सब यह प्रतिज्ञा करते हैं कि इस समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे और भारत देश को विश्व का बेहतरीन देश बनाएंगे। तो फ्रेंड आपको यह भाषण कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको यह भाषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।